जोन के सभी जिलों में पर्व और त्यौहार सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर जोन में कई जगहों पर शोभा यात्रा निकल रही है। प्रदेश सरकार का निर्देश है कि त्यौहारों को सकुशल संपन्न करवाया जाए। सभी जगहों पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। जहां पर संवेदनशील स्थान है वहां पर भी पुलिस के अलग से ड्यूटी लगाया गया है और आयोजकों से भी बात करके जुलूस और सकुशल संपन्न करवाया जा रहा है। इस समय रमजान के का पर्व चल रहा है और आने वाले दिनों में ईद का पर्व है, जिसको संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी और कुछ जगहों पर जुलूस भी निकलता है। इसके लिए भैया अलग से ड्यूटी लगाया गया है और सभी पर्व और त्यौहार सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए आज महावीर जयंती है और कई जगह शोभा यात्राएं निकल रही हैं। प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और पुलिस उन्हीं निर्देशों के आधार पर अपनी पूरी व्यवस्था चाक चौकंद व्यवस्था रखी हुई है। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में ड्यूटीज गस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में लगाई जा रही हैं, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी रहेगी हमारी, संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी रहेगी, रूफ टॉप ड्यूटी रहेगी और जो इस आयोजक हैं उन लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है कि सही माहौल और सही तंग से इन जुलूसों को निकाला जाए। आगे वाले आने वाले पर्व में महत्वपूर्ण पर्व हमारा ईद रहेगा। हमारे मुस्लिम भाई लोग अभी रमज़ान के महीने में रोज़ा रख रहे हैं और एक पवित्र पावन त्यौहार है, उस पर हम लोग सतर्क रहेंगे और उस दृष्टिकोण से अपनी पूरी हम तैयारी कर लिए हैं। महत्वपूर्ण एक और दिन आ रहा है बीच में, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस पर भी शोभा यात्राएँ कई निकलती हैं, बड़े हर्षोल्लास से पूरा पर्व के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अभी सब जगह हम लोगों ने जुलूसेज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आयोजकों से हमारे स्थानीय पुलिसकर्मी बात कर रहे हैं और उस हिसाब से जो हमारी ड्यूटियाँ रहती हैं वो सुरक्षित ड्यूटियाँ लगा के इनको भी सकुशल हम संपन्न कराएंगे।